हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं हम सब? सबसे पहले तो मेरी सीरीज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इसी सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ का थर्ड डे है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पहले की जो सीरीज़ है उसे देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि इस चैनल पे चल क्या रहा है। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो अब हम बात करते हैं आज की सीरीज़ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको पिगमेंटेशन है या आपको स्किन का कोई भी इश्यू है तो आपको कुछ ड्रिंक्स लेने हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक्स की बात हम करने वाले हैं। तो कौन कौन से ड्रिंक आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्यों लेने हैं और किस तरह से आपको लेने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात। सबसे पहले हम बात करते हैं उस ड्रिंक की जो कि मेरा फेवरेट ड्रिंक है, सबसे फेवरेट ड्रिंक है ये। मैं खुद लेती हूँ, काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ हमेशा। तो वो क्या है, वो है हनी प्लस टर्मरिक प्लस पानी, ठीक है। एक गिलास पानी आपने लेना है। आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना करना है, कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी में हनी आपने नहीं डालना होता, हल्का सा गुनगुना करके उसमें हनी डालना है। हनी के साथ आपने डालना है चुटकी भर हल्दी और उसको मिक्स करके पी लेना है। आप कोशिश करें, अगर आप हल्दी को इनटेक कर रहे हैं या घर में भी यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करें जो कि एक्चुअल हल्दी आती है, गाँठे जो आती हैं हल्दी की, उसको लेके पिसवाएं तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई भी एडिड कलर नहीं होगा। तो ये बहुत छोटा सा काम है, बहुत ईजिली हो जाएगा। आप एक बार करके देखिए, अपने आसपास जहाँ भी जो भी शॉप है, दुकान है, वहाँ से इसको लेके और पिसवा के आप रख सकते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला ड्रिंक यही था, आपने हल्का गुनगुना पानी लेना है उसमें। और किस तरह से लेना है, आप कभी भी अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो पहले आपने ब्रश नहीं करना है, क्योंकि आपका मुंह जो रात भर बंद होता है, रात भर बंद होने की वजह से मुंह के अंदर सलाइवा बनता है। सलाइवा हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो स्टमक की हो या फिर कोई भी हो, वो एज ए मेडिसिन काम करता है। तो आपने क्या करना है, इसे बाहर नहीं निकालना है, आपने इसे इनटेक कर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रात को ब्रश करके सोना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा आपको, रात को ब्रश करके सोएंगे ना आप, तभी आप उस पानी को जो सुबह अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं उसे विदाउट ब्रशिंग लेना, तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट आपको मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रिंक ये था। सेकंड जो है वो है हनी प्लस आंवला। आंवला पाउडर आप ले सकते हैं, आंवला का अगर जूस आपको मिल जाता है बहुत अच्छा रहता है, वो भी ऑर्गेनिक है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि जो भी चीज़ें लेते हैं वो थोड़ा सा प्योर ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं जो है जूस नहीं लेती हूँ, मैं पाउडर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जूस के कंपैरिजन में पाउडर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक गिलास पानी लेना है आपने, उसके अंदर आंवला पाउडर डालना है प्लस हनी डालना है एक स्पून और ले लेना है। अगर आप इसको इस तरह से नहीं ले पाते हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा ये कड़वा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी, हाफ गिलास से भी कम पानी लेके उसमें आंवला को मिक्स कीजिएगा, हनी को मिक्स कीजिएगा, फटाक करके पी लेना है आपने। और फिर जो प्लेन पानी ऊपर से ले लें, इसको थोड़ा सा इनटेक करना इजी हो जाएगा। तो मैं भी बहुत बार ऐसे करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है मेथी दाना। एक चम्मच मेथी दाना को रात भर भिगोना है, भिगो के रख दीजिए, सुबह उठ के वो मेथी भी खा लेनी है और वो पानी भी आपने पी लेना है। ये भी आपके लिए, स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, दोनों के लिए ही बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये करना है आपने। एक और जो है ड्रिंक मैं आपको बताती हूँ वो क्या है, वो है यहाँ पे एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल साइडर विनीगर, अगर आप लाइक थोड़े से हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। एक ढक्कन या 5 ml के आसपास आपने एप्पल साइडर विनीगर डालना है एक गिलास पानी में और उसे ले लेना है, ठीक है। इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आप कोई और ड्रिंक अर्ली मॉर्निंग ले रहे हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करना, ताकि मुझे भी पता लगे कि और क्या हम ले सकते हैं, कौन सा अच्छा है। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट अगर आपने उसे ट्राई किया है, अगर आपने लिया है, आपको उसके बेनिफिट मिले हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर। तो एक और ड्रिंक आप ले सकते हैं, अगर आपके पास आसपास लाइक कोकोनट मिलते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग कोकोनट भी ले सकते हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं ले सकते तो एनी टाइम दिन में अगर एक कोकोनट आप पियेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए, और काफ़ी अच्छे से रिकवरी आपको मिलेगी, काफ़ी बेनिफिट उसको देखने को मिलेंगे। कोकोनट एनी टाइम, किसी भी टाइम दिन में अगर एक कोकोनट आप डेली पीते हैं, एक महीने के लिए, एक मंथ के लिए इसे करके देखिए और फिर बताना मुझे कि कैसा लगा। तो अगर कुछ लोगों को या किसी को भी अगर कुछ मेडिकल इश्यू है कि ये सब चीज़ें वो नहीं ले सकते, तो आपने वो ये सब चीज़ें नहीं लेनी है,
और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ नुकसान आपका होने वाला है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, कोई हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, कुछ केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें तो ओनली गर्म पानी भी ले सकते हैं, बट आपको रेगुलर रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो आपने गर्म पानी अर्ली मॉर्निंग पीना है, जो कि आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि जब हम घी के बर्तन साफ़ करते हैं, जब जिस बर्तन में हम घी रखते हैं, अगर हम जब उसको क्लीन करते हैं तो गर्म पानी हम उसमें डालते हैं। क्यों डालते हैं? जैसे ही हम गर्म पानी डालते हैं तो पूरी चिकनाहट हट जाती है, पूरी जितनी भी जो भी उस पर लगा होता है पूरा क्लीन हो जाता है। तो यही जो गर्म पानी है, यही हमारे स्टमक के अंदर जाके काम करता है कि जितनी भी गंदगी हमारे अंदर होती है, जितनी भी गंदगी हमारे शरीर के अंदर जमा होती है, उसे निकाल के वो फ्लश आउट कर देता है। ठीक है, तो आपने गर्म पानी भी पीना है, ये भी आप कर सकते लास्ट वीडियो में हैं। बताया था ओके, वैसे खाने का, बट उसमें रह गया था, तो मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ कि आपने मैदा मैदा आपने टोटली अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। समोसा हुआ, भटूरे हुए, या जो भी मैदे से बनी चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करना है, लाइक पिज़्ज़ा हुआ, ये सब चीज़ें आपने नहीं खानी है, पूरी तरह से अवॉइड करना है इसे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप व्हाइट सॉल्ट, जो नमक होता है, अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो कुछ लोग हमेशा, हमें लगता है कि नॉर्मल है, बट कुछ लोग हमेशा ही ऊपर से नमक डाल के खाना खाते हैं, या सैलेड जब खाते हैं तो वो ऊपर से नमक डाल लेते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन इश्यू है, तो आपने ये सब चीज़ें नहीं करनी है। जो आप सैलेड खाते हैं उसे एज इट इज़ खाइए। ठीक है, जैसा वो आया है वैसा ही हमने खाना है, जैसा नेचर ने हमें दिया है बिल्कुल रो खाना है उसको। उसके ऊपर एडिशनल अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो नमक नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ में आपने नमक ऊपर से ऐड नहीं करना है। अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं, दालचीनी पाउडर उसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे भी हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा रहता है। दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं, कलौंजी पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, बट व्हाइट सोल्ट नहीं। आप चाहें तो व्हाइट सोल्ट की जगह पिंक सोल्ट ऐड कर सकते हैं। पिंक सोल्ट अपने डाइट में ऐड करना स्टार्ट कीजिए, व्हाइट सोल्ट को बंद कर दीजिए आप। ठीक है, इसके साथ साथ आपने जो है जंक फूड अवॉइड करने हैं जितना हो सके। जब तक आपकी मजबूरी ना हो जंक फूड खाना, तब तक आपने जंक फूड नहीं खाना। मजबूरी कब हो सकती है? मजबूरी तभी हो सकती है जब हम बाहर गए हैं और घर का खाना हमारे साथ, हम साथ में कैरी करके नहीं चल रहे हैं या नहीं है, और हमें सडन करके भूख लग सकती है, मजबूरी बस तभी होती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, अपनी डाइट का भी पूरा पूरा ध्यान आपने रखना एक है। चीज़ और ऐड करनी है जो कि है ग्रीन वेजिटेबल। जितना हो सके आपने ग्रीन वेजिटेबल खानी है। ग्रीन वेजिटेबल को आप किस तरह से खा सकते हैं? आप बहुत तरीक़ों से खा सकते हैं। आप चाहें तो दाल में ऐड कर सकते हैं, सांभर में ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो रोटी में ऐड कर सकते हैं। रोटी का जब आटा लगाते हैं उसमें आप अपना क्या बोलते हैं उसको, पालक मेथी जो भी ऐड करना चाहते हैं वो सब ऐड कर सकते हैं। पुदीना भी बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, तो आपने पुदीने को भी ऐड करना है। पुदीना आप लस्सी के साथ ले सकते हैं, दही में डाल सकते हैं। पुदीने को लेके सुखा के रख लीजिए, और उसका पाउडर जब भी आप लस्सी पीते हैं, दही पीते हैं, उसके ऊपर डाल के पीजिए। टेस्ट भी अच्छा होगा और हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसे आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, ये भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि और आपको क्या करना चाहिए, तो खाने में सिर्फ इतना ही करना है आपको, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ अगर आप कुछ एडिशनल, आपको पता है, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ऐसा पता हो जो मुझे नहीं पता हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि इस डाइट में ये चीज़ और इंक्लूड करनी है आपने। ठीक है, तो पानी का प्रॉपर ध्यान रखना है आपने। पानी बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से होती है कि वो पानी नहीं पीते हैं, तो आपने पानी का प्रॉपर ध्यान तो ये थी रखना। आज की वीडियो कि कौन कौन से ड्रिंक आपको लेने हैं, किस तरह से लेने हैं। आप इसमें कुछ भी मिक्स एंड मैच एक्स्ट्रा नहीं करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और एडिशन करने की ज़रूरत है। बट अगर कुछ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या इंक्लूड किया है, ताकि मुझे भी पता लगे कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, या फिर मुझे नहीं, हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो मुझे नहीं पता हो, आपके थ्रू मुझे पता लग सकती है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ और पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक, एक लाइक ज़रूर करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं आने वाली वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, विच इज़ मुकेश भाटी टिप्स।